नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभम बोगल। लगातार वक्त इंडिया का प्रयास रहता है कि जम्मू के उभरते हुए कलाकारों से आपको रूबरू करवाते रहें। उसी प्रयास को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वर्षा जम्वाल, जो एक सिंगर हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि कब इन्होंने सिंगिंग में ये आए, कब इन्होंने सिंगिंग में अपना पांव रखा। स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। सबसे पहले तो हमारे दर्शक एक गाना सुनना चाहेंगे, उससे स्टार्टअप करते हैं। जी बिल्कुल, आज की शुरुआत मैं एक हिमाचली सॉन्ग से करूंगी और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो जरूर आपको सुनाऊंगी। माहेनी मेरी शिमले दिराई चंबाई किन्नी की दूर, हाय चंबाई किन्नी की दूर। माहेनी मेरी शिमले दिराई चंबाई किन्नी की दूर, हाय चंबाई किन्नी की दूर। शिमले निवसना कसोली निवसना, शिमले निवसना कसोली निवसना, चंबे जाना जरूर है। माहेनी मेरी शिमले दिराई चंबाई किन्नी की दूर। बहुत अच्छा। वर्षा जी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आपका स्टार्टअप हुआ, कब आप सिंगिंग की लाइन में आए? ये स्टार्टअप मेरा स्कूल से हुआ एक्चुअली। पीरियड्स में गाना स्कूल की तरफ से हम बाहर पार्टिसिपेट करने जाते थे, तो स्कूल से शुरुआत हुआ। किन से इंस्पायर होकर आपने सोचा कि आप सिंगिंग की लाइन में आए? इंस्पायर तो किसी से नहीं हुई, बस यही स्कूल में हर चीज़ में आगे रहती थी, जैसे पीरियड में कमांड देना, पीरियड करवानी, बोलना, तो सभी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको ट्राई करना चाहिए सिंगिंग में, तो वही सिंगिंग। तो जब आपने सबसे पहले आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस की, तो पहले कौन सा गाना आपको लगा कि आप स्टेज पे गए? उस टाइम तो कुछ पता नहीं था एक्चुअली, और स्कूल का ही गाते थे प्रेयर्स वगैरह, पेट्रियोटिक गाते थे, तो स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल ने कॉम्पिटिशन में भेज दिया, सो वहाँ पे स्कूल की प्रेयर ही गा लिया, और अब तक मेरे को प्रेयर याद भी नहीं होगी। थोड़ी सी दो लाइनें हमारे दर्शकों को सुना दें प्रेयर, एक्चुअली मेरे को याद नहीं। हाँ सुना देती हूँ। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, ये प्रेयर मैं उस टाइम गाती थी। उसी से स्टार्टअप हुआ आपका। जी बिल्कुल। तो देखा जिस तरह से ये वर्षा जम्वाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जिनका कहना है कि जब इन्होंने सिंगिंग में अपना पांव रखा तो इन्होंने इनके स्कूल की तरफ से इनको एक कंपटीशन के लिए भेजा गया। कैसा अपने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस, कैसा रिस्पांस मिला था? रिस्पांस ये था कि मैंने विन किया था वहाँ पे। जी जी। और उसके बाद मेरे प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट किया और आगे भेजते रहे कंपटीशन में स्कूल की तरफ से, और इनसे मेरी शुरुआत हुई। तो अभी तक आपने कोई एल्बम वगैरह निकाली हो? एल्बम बहुत जल्दी आने वाली है, एक पंजाबी सॉन्ग की, और ये एक धमाका होगा, ये तो सरप्राइज जम्मू के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हाँ ऐसे कॉम्पिटिशन विन किया, रियलिटी शोज किए हैं, आवाज पंजाब की फाइनलिस्ट थी, एमएच वन चैनल विनर ऑफ चुना है आसमान, ऑर्गेनाइज्ड बाय जेएनके पुलिस एंड सॉन्ग कॉम्पिटिशन की विनर। जम्मू में आप जानते हैं कि जम्मू में काफी ऑडिशन वगैरह चलते रहते हैं, वहाँ जम्मू में आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो? नहीं, जम्मू में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ, संदेश से आते हैं। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो बहुत अच्छा, इन्होंने अपने जो हमारे अभी हाल ही में ही पुलवामा अटैक पे जितने भी हमारे जवान, 40 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए थे, उनको इन्होंने श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित की है।
वर्षा जी आप हमें ये बताएं कि हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सिंगिंग लाइन में आने के लिए। और सिंगिंग से याद आया कि शुरुआत मेरी हेल्प मेरी मम्मा ने किया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा का था, तो मम्मा को एक सॉन्ग ज़रूर डेडिकेट करूँ। जी 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 जरूर जरूर जरूर। और ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट ज़रूर करो, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो तो आप बहुत दूर तक पहुँचोगे। सो ये सॉन्ग मैं अपनी मम्मा के लिए स्पेशल डेडिकेट कर रही हूँ। ये अक्सर मैं जागरण में, हाँ बिल्कुल, ये अक्सर मैं जागरण में गाती रहती हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं इस गाने को। सो आपको भी ज़रूर सुनाऊँगी अपने जो व्यूज़ हमें देख रहे हैं व्यूअर्स को। दौलत भी मिल जाती शोहरत भी मिल जाती, मिला ना मावा दिया लोरियाँ, हाय मिलन ना मावा दिया लोरियाँ, ऐसियाँ बीस जग दिया मावा हुंदियाँ ने, हाय भुखियाँ रोके पुत नू चोरी खवांदियाँ ने, मावा ते मावा ने मां ठंडियाँ शावा ने, जिन्ने कारो सिब ताने थोड़ियाँ, हाय मिलन ना मावा दिया लोरियाँ। हाँ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जी जी बहुत अच्छा। इन्होंने अपनी एक अपनी माता जी को इन्होंने एक गाना डेडिकेट किया है जिसमें इन्होंने अपनी लफ्ज़ों में अपनी माता जी का शुक्रिया किया है इन्होंने। तो वर्षा जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जिस तरह से पंजाब के सिंगर यहाँ पे बुलाए जाते हैं और उनसे गाने यहाँ पे गवाए जाते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जम्मू के जो टैलेंटेड सिंगर हैं या डांसर हैं उनको यहाँ पे गवाना चाहिए? जैसे आप बात कर रहे हैं कि पंजाबी सिंगर्स हमारे जम्मू में आते हैं, इस बात से मुझे गुस्सा भी नहीं आ सकता, मतलब कह सकते हैं गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमारे जम्मू में इतने अच्छे अच्छे फनकार हैं, इतने सुरीले कलाकार हैं जिनको इतना आगे प्रमोट नहीं किया जाता, हालांकि वो यहाँ के जो सिंगर्स हैं वो बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, हमारे जम्मू वाले अपने सिंगर्स को जम्मू में परफॉर्म करने का मौका नहीं देते। मैं सब पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट कुछ हैं जो मौका देते हैं, बट मैक्सिमम यही होता है कि यही बोला जाता है कि वो बाहर से सिंगर आ रहा है, हमारे जम्मू की भी कमी है, इसी वजह से हमारा जो कल्चर है वो पीछे होता है, डोगरी को प्रमोट नहीं होता। जी 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 बहुत अच्छा। जी वर्षा जम्वाल आज हमारे साथ मौजूद थी, तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जम्मू की इन्होंने बात की है कि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में बाहर से बुलाया जाता है, बाहर से बड़े बड़े सिंगरों को बुलाया जाता है कि आइए आप यहाँ पे आएँ, इनसे परफॉर्मेंस करवाई जाती है। पता नहीं क्यों हमारे जम्मू की जितनी प्रोडक्शन बनी हुई हैं, पता नहीं वो क्यों जम्मू के जितने कलाकार हैं उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जब भी वो बाहर से सिंगर मंगवाएँ पहले अपना जो जम्मू का टैलेंट है उसे भी एक बार देखा जाए। कैमरा पर्सनशिप के साथ शुभम बोगल, वक्त इंडिया, जम्मू।